आज इस वीडियो में मैं आपको DRDO RAC रिक्रूटमेंट 2023 की सारी अपडेट्स देने वाली हूँ। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेंटर की तरफ से एक नोटिफिकेशन आई है जो कि साइंटिस्ट बी पोस्ट के लिए है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वैकेंसी डिटेल सब कुछ बताने वाली हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसकी जो पोस्ट डेट है वो 29/5/2023 है और इसमें टोटल वैकेंसी 181 है और ये ऑल ओवर इंडिया इसमें वैकेंसी निकली है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसकी अप्लाई करने की डेट जल्दी आने वाली है और इसकी लास्ट डेट 18/6/2023 है। अब इसके वैकेंसी डिटेल को देख लेते हैं पोस्ट वाइज। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसके लिए 49 पोस्ट है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसके लिए 44 पोस्ट है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसमें 34 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसमें 5 वैकेंसी है। मटेरियल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, इसके लिए 10 पोस्ट है। फिजिक्स, इसके लिए 10 पोस्ट है। केमिस्ट्री, इसके लिए 5 पोस्ट है। केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 13 पोस्ट है। एरोनॉटिकल और एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए 7 पोस्ट है। मैथमेटिक्स के लिए 2 पोस्ट है। सिविल इंजीनियरिंग के लिए 2 पोस्ट है। तो टोटल 181 पोस्ट इसमें है। अब इसके पे स्केल की बात कर लेते हैं। तो साइंटिस्ट बी की जो पोस्ट है उसकी पे स्केल 56,100 से 1,00,000 तक होने वाली है। अब एज लिमिट की बात करें तो कैटेगरी वाइज फॉर UR एंड EWS मैक्सिमम एज 28 ईयर्स रखी गई है। OBC के लिए 31 ईयर्स रखी गई है और फॉर SC एंड ST 33 ईयर्स रखी गई है। एज रिलैक्सेशन फॉर PWD कैंडिडेट्स, उनको 10 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। सर्विंग सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो है उनको 5 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। फॉर एक्स सर्विसमैन इंक्लूडिंग एक्स SSCOC ECOS, इनको एज पर रूल एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए कैंडिडेट के पास फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और साथ में वैलिड ग्रेड स्कोर इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। और मैकेनिकल इंजीनियर वाले कैंडिडेट्स के पास फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और विथ वैलिड गेट स्कोर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसके लिए कैंडिडेट के पास फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड वैलिड गेट स्कोर इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए कैंडिडेट के पास फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट और साथ में वैलिड गेट स्कोर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट के पास फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन मेटलर्जी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड साथ में वैलिड गेट स्कोर इन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग। फिजिक्स वालों के लिए क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इन फिजिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और वैलिड गेट स्कोर इन फिजिक्स। केमिस्ट्री के लिए क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट और वैलिड गेट स्कोर इन केमिस्ट्री। केमिकल इंजीनियरिंग के लिए फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट और वैलिड गेट स्कोर इन केमिकल इंजीनियरिंग। अब इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस बेस्ड होगा इनका गेट स्कोर पे और साथ में उसके बाद इनका इंटरव्यू भी लिया जाएगा। और एप्लीकेशन फी फॉर जनरल OBC एंड EWS मेल कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज रखी गई है और फॉर SC ST दिव्यांग एंड जितनी भी वुमेन कैंडिडेट्स हैं उनको कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं लगेगा। और साइंटिस्ट बी की जो पोस्ट है उसको आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप यहाँ से एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। ओके, तो और भी जॉब अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।